वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर यातायात थाना दरभंगा व दरभंगा जिला के अलग अलग थाना की पुलिस ने अपने क्षेत्र में देर रात से ही सभी गाड़ियों की चेकिंग करना शुरू कर दिया है और आज सुबह ही की गई बड़ी कार्रवाई दरभंगा कलेक्ट्रेट रोड मुख्य सड़क से नो पार्किंग जोन से कई मोटरसाइकिल को किया गया जब्त। यातायात थाना फाइन प्रावधान के बाद ही यह तमाम मोटरसाइकिल छूट सकेगा। दरभंगा समाहरणालय रोड मुख्य सड़क के किनारे नो पार्किंग जोन एरिया है, जहां अवैध रूप से पार्किंग करने पर ऐसे तमाम मोटरसाइकिल को यातायात थाना की पुलिस क्रेन के द्वारा उठाकर ले गए। नो पार्किंग एरिया को लेकर कई जगह वोट भी लगाया गया है, फिर भी लोग नो पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि वरीय पुलिस अधिकारी को शिकायत की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए यातायात थाना प्रभारी ने यह कार्रवाई किया है। बताते चले कि बढ़िया पुलिस अधीक्षक कल ही क्राइम मीटिंग किया था और कहा था कि दरभंगा को अपराध मुक्त करना है, इसी को लेकर जगह जगह गाड़ी चेकिंग, नो पार्किंग एरिया को ठीक करना और शराब बेचने वालों पर कड़ी निगाह बना ली है। पता था हमको। आज पत्रकार से मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी लगाए जा रहे थे, जिसके आलोक में हम लोग आज फिर से कार्रवाई कर रहे हैं। लोग तो हम लोग 5,000 शिक्षा भी दे रहे थे, मतलब गाड़ी से उठा के लेकर फाइन भी कर रहे थे, लेकिन लोग कहीं बात नहीं माने हैं। जो बड़ी अधिकारी को मीडिया के माध्यम से कंप्लेन भी किया गया था, उसी आलोक में आज फिर से यहाँ से जो पार्किंग है, लोगों को जाम का समस्या जूझना पड़ता है, उसी आलोक में आज गाड़ी फिर से उठा के थाना लेगा, उसको हम लोग एमडीआई के साथ फाइन करेंगे। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था स्टेडियम गेट के पीछे बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे आए लंगे गेट में चाहे स्टेडियम गेट में या कहीं पर भी अपना स्टेडियम गेट के पास ही गाड़ी लगाए। अपना फाइन का प्रावधान है, तो वो पार्किंग का तो फाइन है, हम लोग उसी का फाइन करते हैं, वही 29 में 2,000 रुपये का फाइन। आज हम लोग स्टेशन पे और वर्गी था जो गाड़ी है वहाँ पर भी हम लोग 50 गाड़ी का फाइन किए।